कोरोना वायरस महामारी के समय जहां स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र सहारा है। लेकिन गरीब घरों के बच्चों के लिए बिना स्मार्टफोन के यह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे समय में जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बीजापुर नक्सली हिंसा में पीड़ित परिवार के दो भाइयों को मोबाइल और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाया। कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र सहारा बनी हुई है, उस पर भी गरीबी ने सेंध लगा रखी है। नक्सली हिंसा पीड़ित बीजापुर जिले के आवापल्ली विकास खंड के दो भाइयों संतोष ईरपा एवं भीमसेन ईरपा को मोबाइल न होने की वजह से 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी समस्या को लेकर वे जगदलपुर विधायक के पास पहुंचे। विधायक ने उनकी समस्या सुनी और उन्हें मोबाइल के साथ पुस्तक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया। नक्सली हिंसा पीड़ित बच्चों से चर्चा करते हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि भविष्य में भी यदि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत हो तो वे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। ये दो बच्चे संतोष निरपा और भीमसेन निरपा, जो कि नक्सली पीड़ा के शिकार परिवार से, इनके पिताजी इनके भाई की नक्सलियों ने हत्या की कर दी थी। अभी कोरोना लॉकडाउन को लेकर इनको पढ़ने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का मामला है, पढ़ाई का मामला है, किताबों का मामला है। तो ये मुझसे मिले, मैंने तत्काल इस पर पहल करते हुए इनको 10वीं और 12वीं कक्षा की जो इनके सिलेबस की किताबें उपलब्ध करवाई। और क्योंकि ये बीजापुर ज़िले के हैं, मैंने कलेक्टर बीजापुर से भी बात किया कि आपके क्षेत्र के दो बच्चे हैं तो इनको आगे सही व्यवस्था होना चाहिए और इनको मोबाइल भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का मामला है। उन्होंने भी रितेश अग्रवाल जो कलेक्टर बीजापुर ने त्वरित पहल करते हुए मोबाइल उपलब्ध कराया। जगदलपुर के इसी ट्राइबल को बोलकर मैंने इनको किताबें उपलब्ध कराई और ये दोनों बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और बस्तर का नाम को रोशन करना चाहते हैं। इन्होंने भूपेश बघेल जी के पत्र भी कृतज्ञता जाहिर की है कि उनके शासन में आदिवासी हित में लगातार काम हो रहे हैं और पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी इनको विश्वास दिलाया है कि आप अच्छे से पढ़ो, किसी प्रकार की कमी होने नहीं देते। जब एग्ज़ाम टाइमिंग आया था तो उस वक्त हम बिलासपुर से निकले हैं तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन होने वाला है, आप सभी अपने अपने घर चले जाइए, सुरक्षित रहेंगे। तो घर आ गए सर, तो घर आने पर कंडीशन ऐसे हो गया कि सर लॉकडाउन बढ़ते गया और लगभग अभी तो 4-5 महीने होते जा रहे हैं लॉकडाउन के चलते। तो इस बीच में ऑनलाइन क्लास की सुविधा कराई गई, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की सुविधा कम है, ऐसी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है हमारे, नक्सल भी क्षेत्र से आते हैं तो इसके चलते हम काफ़ी परेशान हो रहे थे। और जिस कारण मैं अपने पुराने संस्था एकलव्य के विधि सर से मैंने सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने बताया कि विधायक सर से मिल लो एक बार, वो आपका सॉल्यूशन हल कर देंगे। तो हम सीधे डायरेक्टली जैन सर से मिले हैं, तो मिलकर उन्हें अपनी परेशानी को बताया, तो बताने से उन्होंने हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब से बात किए और यहाँ के ट्राइबल डिपार्टमेंट से बात की, यहाँ के ट्राइबल डिपार्टमेंट से बात करके हमारे लिए बुक मंत्र व्यवस्था कराएँ। और साथ ही साथ वहाँ हमारे बीजापुर ज़िले के कलेक्टर साहब ने रितेश अग्रवाल जी, जो कि अभी वहाँ के कलेक्टर हैं, उन्होंने हमारी मोबाइल की सुविधा कराई, जो कि हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस को चलते। तो हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं और जैन सर के भी बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने कम शब्दों में हमारी इस छोटी सी मांग को पूरी की और कम समय में, जो कि 4 महीने शेष रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी परेशान हो रहे थे, अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।